हाय गाइस, माय नेम इज़ कुशाल सिंह एंड आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अबाउट द स्लैट एग्जामिनेशन, दैट इज द सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट एवरी ईयर, बिकॉज सिम्बायोसिस लॉ पुणे जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रिफर्ड चॉइस है। एंड सो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, और कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कहाँ पर रजिस्टर करना है, क्या आपका कोर्स मटीरियल होगा, क्या सिलेबस है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन टुडेज़ वीडियो। बट बिफोर आई डू दैट, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू माइट वॉन्ट टू नो अबाउट अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे कई सारे ऐसे लेसन्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट फीचर्स ऑन अनअकैडमी। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट इज दैट हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज है, और आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हो, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आपके पास ये सारे फीचर्स एक्सेस करने के लिए सब्सक्रिप्शन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी क्लासेस, हर फैकल्टी हर दिन बहुत सारी फ्री, एक ना एक फ्री क्लास जरूर लेता है। देयर आर मल्टीपल फ्री क्लासेस पूरे दिन में ऑन अकेडमी। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक नीचे अटैच कर दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैं आपको ये भी जल्दी से बता दूँ कि कौन कौन से बैचेस अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है, विच यू शुड बी चेकिंग आउट डेफिनेटली। तो 2022 के लिए एंड 2023, चाहे आप अगले साल एग्जाम लिख रहे हो या उसके अगले साल एग्जाम लिख रहे हो, दोनों के लिए ही बैचेस चालू हो चुके हैं। एंड इन सारे बैचेस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, KUSHALLIVE। Now let us get into today's session, and in the meanwhile, once before I end the video, I'm also going to tell you about a lot of other exciting features of Unacademy that you should definitely check out, जो आपको आपकी preparation में help भी करेंगे। चलिए अब करते हैं बात SLAT या फिर Symbiosis Law Admission Test की। So Symbiosis Law International University जो है हर साल स्लैट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। नाउ सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज इज अ कॉलेज जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनके कोर्सेज हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा। सो इट्स अ वेरी यूनिवर्सिटी विच हैज़ अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड द यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड लॉट ऑफ प्लेसेस। सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट उनके लॉ प्रोग्राम के लिए, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है उसके लिए लिया जाता है। सिम्बायोसिस के पास एज ऑफ नाउ 3 ईयर वाले कोर्सेज नहीं है, दे ओनली हैव द 5 ईयर कोर्स, जहाँ पे BBA और LLB या फिर BA और LLB के इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज है। 4 लॉ कॉलेजेस हैं या फिर 4 लॉ स्कूल्स हैं। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में है, नोएडा में है, हैदराबाद में है और नागपुर में है, जो कि उनका नया कैंपस है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइटिंग द सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एग्जामिनेशन एम टू गेट इन द पुणे ब्रांच, बिकॉज पुणे कॉलेज में, क्योंकि उनका जो पुणे का लॉ स्कूल है वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है उसकी। इनफैक्ट इट सिट्स क्लोज टू द टॉप रैंकिंग NLUs मोर दैन द अदर लोअर रैंकिंग NLUs। सो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उस कॉलेज का। तो ये सारे कोर्सेज इस कॉलेज में अप्लाई दिए जाते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पुणे एंड नोएडा इज़ अराउंड 300, एंड हैदराबाद और नागपुर में आपको दोनों इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए BBA LLB और BA LLB के लिए 120 सीट्स, यानी 240 सीट्स आपको टोटल मिलेंगी। अब कैसे रजिस्टर करें इस एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि मैंने कहा सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो एक सेंट्रलाइज SET सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट -test.org पे आपको जाके रजिस्टर करना है। अभी जो आपको डेट्स दिख रही है ये 2021 की डेट्स हैं, ये हो चुका है एग्जामिनेशन, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप अगर भूल भी जाए तो बाद में आप आके ये वीडियो चेक करके SET test.org वो वेबसाइट है, ये आप सर्च कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ डाली है। एप्लीकेशन फीस एग्जामिनेशन की होगी 1950 रुपीज़। This is for taking the SAT or Symbiosis entrance test, whichever it is, and depending on the program, that is now you will be selecting BA LLB or will be selecting the law program, then उसके लिए आपको अलग से 1000 rupees और pay करना है, and this is completely non-refundable. Another reason why a lot of students prefer to take the SLAT examination is because
वो जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है क्लैट एग्जामिनेशन से बहुत मिलता जुलता है, एटलीस्ट द ओल्ड क्लैट एग्जामिनेशन. सिलेबस सेम है, इट्स जस्ट द फॉर्मेट जो पुराना क्लैट का फॉर्मेट था, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, नॉट द पैसिव बेस्ड फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट का एग्जामिनेशन है. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो राइट दिस एग्जामिनेशन एज अ बैकअप कि अगर चलो NLU's में नहीं हुआ तो सिम्बायोसिस में also we will have a chance just to increase their chance of getting into a good college. So lot of students write that as well. So before I now tell you about the syllabus and about the examination and about its format, मैं आपको ये बता दूँ कि कॉलेज की फीस कितनी है. क्लोज टू 4.5-5 lakh rupees per year की फीस है, which is almost little higher or close to in case of some NLU's. तो ये कॉलेज की फीस है. एंड अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन का मोड कैसे होने वाला है. एंड इफ यू आर समवन जिसकी जिसके स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी बढ़िया हैं और जिसके राइटिंग स्किल्स, इफ यू आर वेरी गुड विद योर लैंग्वेज, इफ यू वेरी गुड विद वर्ड्स, योर चांस ऑफ गेटिंग इन टू सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो ऐसे एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं या दो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं टू द एग्जामिनेशन विच विल बी बेनिफिशियल टू पीपल that who have the skills that I just mentioned. तो उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ. सो एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है इस साल. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा पुराने वाले क्लैट फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं. टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 75 मिनट्स हैं आपके एम सी क्यू केस, दैट इज़ आप 1 hour 15 minutes लगभग आपके एम सी क्यूज होंगे ऑन द कोर सब्जेक्ट. जैसा कि आपका क्लैट का एग्जाम होता है कोर सब्जेक्ट्स पे, जो 4-5 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एम सी क्यू क्वेश्चंस आपको वो पूछे जाएंगे. उसके बाद में आता है WAT, विच इज द रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो क्लैट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 30 मिनट का WAT होगा. आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक दिया जाएगा. आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लिख रहे हो, लॉ हो गया, जर्नलिज्म हो गया, अलग अलग जैसा मैंने कहा, बट आप अगर लॉ स्लैट लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको लॉ रिलेटेड या करंट अफेयर रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पूछा जाएगा. एंड यू हैव टू राइट एन एसे ऑन इट. और इफ़ यू हैव अ गुड लैंग्वेज, इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ वेरी कोहिसिव एंड एन इम्प्रेसिव मैनर, देन योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग द स्लैट एग्जामिनेशन और गेटिंग अ हायर रैंक इवन इन द स्लैट एग्जामिनेशन इंक्रीज अ लॉट. नाउ अब रही बात आपके एम सी क्यू वाले क्वेश्चन की. वो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. एंड दी एडवांटेज वहाँ पे ये है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है. यानी अगर आप एक कैलकुलेटेड गेस भी लेते हैं इस एग्जामिनेशन में, इट विल नॉट बी पीनलाइज्ड, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज. तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्कोर वाइल राइटिंग दिस एग्जामिनेशन. अब आते हैं एम सी क्यू वाले क्वेश्चन. तो WAT में तो आपसे जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऐसे लिखने के लिए कहा जाएगा. एंड MCQs में आपका, आप जैसा देख सकते हो कि आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, GK, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये आर सिमिलर टू ऑल दी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयरिंग फॉर. सो यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर इट. हर एरिया में से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. एंड बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू हैव टू एंश्योर दैट यू गेट एज मैनी एज राइट. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्लैट में काफ़ी लेवल आउट कर देता है. जो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी थरो माइट नॉट गेट दी मार्क इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट यहाँ पे आपके पास एक गेस कैलकुलेटेड गेस वर्क करके हायर रैंक लाने का या हायर मार्क लाने का चांस ज़्यादा है. तो एग्जाम में कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है, इवन दो दी एग्जाम इज स्लाइटली ईजियर. बट दी एरिया इन विच यू कैन एक्चुअली शाइन एंड लीव अ मार्क and get the examiners to notice you is the written aptitude या फिर writing ability test या otherwise known as VAT examination. अब इसके बाद में आपका एक PI round भी होगा. and उस PI round में भी आपसे interview लेंगे interviews and on the basis of that you will be given your admission. तो ये है SLAT के examination की सारी details. अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि Unacademy पे we don't just focus only on helping you with theories of the examination. हम इस तरह के videos भी बनाते हैं जहाँ पर आपको exam से related बाकी information. In fact, when the SLAT examination and PI rounds were going on, Sameer sir also took classes on how to attend personal interviews as well. तो हर तरह का content आपको मिलेगा Unacademy के YouTube channel पर भी.
एंड अगर आप और भी इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिया गया जो लिंक है उस पर क्लिक करके अनमा अकेडमी का जो ऐप है वो आप डाउनलोड करो, क्योंकि हर दिन बहुत सारे फैकल्टीज फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो, फ्री टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हो टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसी तरह के अलग अलग एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके मैं फिर से वापस आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।